हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ इंडिया बैंक शेयर के ऊपर। अगर इस शेयर में हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए। क्लियरली अगर देखेंगे तो डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था 11 रुपीज के लेवल के ऊपर, और उसके बाद से इस स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है। तो आगे इस स्टॉक में हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर स्विच करते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको इस स्टॉक के ऊपर कवर किया था, वीडियो बनाया था। वापस से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, और इस ब्रेकआउट का हम लोग जो है आपको काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था 11 रुपीज के लेवल के ऊपर जो है एक अच्छा तेजी आ सकता है, ऑलरेडी आ चुका है। वापस से एक और ब्रेकआउट लेवल के पास स्टॉक यहाँ पे आपको खड़ा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 13.95 जो कि इस स्टॉक का प्रीवियस स्विंग हाई भी था यहाँ पे, उस लेवल के अराउंड जो है स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ है। और ये लेवल आपको 2019 के बाद ऑलमोस्ट 2.5 ईयर के बाद जो है स्टॉक यहाँ पे आपको 3.5 ईयर के बाद स्टॉक में यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग जो है आपको स्टार्ट हो सकता है। स्टॉक जो है इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर सकता है, उसके बाद इस स्टॉक में हम लोगों को और तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक मल्टी ईयर आपको ब्रेकआउट होने वाला है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर स्विच करेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर इस स्टॉक में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि वीकली चार्ट के ऊपर भी हम लोगों को देखने को मिला था, और स्टॉक जो है मंथली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे जो है और बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो स्विंग लो जो आपको फर्स्ट टाइम बना था वो ब्रेक नहीं हुआ, सेकेंड टाइम का स्विंग लो जो है उस लेवल से काफी ज्यादा ऊपर था, और फाइनली जो है आपको नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। अभी भी मंथली चार्ट के लिए 2 ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है, फ्राइडे और मंडे का ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है, तो इसी वजह से जो है अभी मंथली चार्ट क्लोज नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट जो है फ्राइडे के सेशन में क्लोज हो जाएगा, तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोगों का ध्यान जो है जरूर रहना चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जो स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, और वापस से मैं बोल रहा हूँ जो इस स्टॉक में एक जबरदस्त यहाँ पे मोमेंटम हम लोगों को अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि स्टॉक जो है आपको 35 रुपीज तक भी जा सकता है, और उसके ऊपर अगर निकला तो फिर 50 रुपीज हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।